सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो देखिए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध के जो जन्म स्थान लुम्बिनी। और देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, तो क्या है? जातक। तो जन्मों की कथाओं के विषय में जातक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। बौद्धों का बुद्ध ने किस स्थान पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, बौद्ध ग्रंथों में उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया था उनकी मृत्यु को। और आगे देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो सबसे प्राचीन विहार नालंदा। और देखिए फ्रेंड्स, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। इम्पॉर्टेंट है कौन फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में किया गया था फ्रेंड। तो किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध सभा आयोजित राजगृह में किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु में। तो देखिए फ्रेंड्स, धर्मचक्र प्रवर्तन है का, जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था फ्रेंड्स। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, जब गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो बौद्ध ग्रंथों में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो सभा होती है किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए कुंडलवन जो कश्मीर में है फ्रेंड्स। देखिए किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, प्रथम जो चतुर्थ बौद्ध सभा हुई थी कुंडलवन किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, तृतीय जो बौद्ध सभा हुई थी संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध सभा आयोजित कहाँ पर की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र में किया गया था। और देखिए किसके शासनकाल में किया गया था फ्रेंड्स? तो अशोक के शासनकाल में। इम्पॉर्टेंट, जितने भी हैं तृतीय प्रथम संगी प्रथम बौद्ध संगीति द्वितीय और तृतीय सब चतुर्थ सब इम्पॉर्टेंट है, तो सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो तृतीय बौद्ध सभा जो हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और देखिए आगे इम्पॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे फ्रेंड्स? तो आलार कलाम थे। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो आलार कलाम। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बदली थी? तो देखिए फ्रेंड्स, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को देख के उनकी भावना बदली थी। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे गौतम बुद्ध ने। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र
विक्रमशिला था फ्रेंड्स। जितने भी हैं सब अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा फ्रेंड्स। और देखिए भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो सांची में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची। और आगे देखिए फ्रेंड्स, किन शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किस शासक ने? तो देखिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, तो धर्मपाल। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, धर्मपाल। और देखिए फ्रेंड्स आगे, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अभी ऊपर बताए थे फ्रेंड्स, तो अशोक के साथ शासनकाल में, और कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथ इम्पोर्टेंट है, पिटको, पिटको की रचना किस भाषा में की गई थी? तो देखिए अब पाली भाषा में, इम्पोर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित होता है फ्रेंड्स, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। तो अच्छे से सबको अच्छे से आप समझते चलिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आगे ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बिंबिसार के शासनकाल में। और देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है फ्रेंड्स, अच्छे से इसको समझ लीजिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। और देखिए फ्रेंड्स, बोध गया स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, जातक किसका ग्रंथ है? तो देखिए जातक बौद्ध दो का ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट है, जातक बौद्धों का ग्रंथ है। और देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, जो बिहार में स्थित है। और आगे देखिए फ्रेंड्स, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो देखिए तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, जब वो प्रथम उपदेश दिए थे तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया था जब वो गृह त्याग किए थे, तो उस घटना को। और आगे देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए कपिलवस्तु में की गई थी फ्रेंड्स। और आगे देखिए फ्रेंड्स, सांची क्यों विख्यात है? तो देखिए सांची इसलिए विख्यात है, यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए सांची विख्यात है। और देखिए फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के लिए प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का, पाली भाषा का बौद्धवाद में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो देख किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है?
तो गौतम बुद्ध को इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, किसे एशिया एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। देखिए फ्रेंड्स, इसका टेस्ट आप लोग जरूर लगाइएगा, टेस्ट लगाएंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।